राम राम सा एशियन सुजला के माने था सगला को मैं स्वागत करूं। आपने सुजानगढ़ में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उपचुनाव है, मोहनलाल जी मेघवाल की आकस्मिक मृत्यु होगी बिके बाद के माने राजस्थान में तीन जगह पर जगह तीन चार नेता मरिया भी, लेकिन एक बार थोड़ा लारी मरिया बोल बट चुनाव को नहीं हुई और तीन जगह पर चुनाव हो रहा है। मैं आज सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र, हालांकि तहसील बिदासर पड़ा लेकिन विधानसभा क्षेत्र जो है वो सुजानगढ़ है और मैं दुमकर गांव का आया हूँ। दुमकर गांव बहुत प्रसिद्ध है और सगला जानो मोहनलाल जी मेघवाल के खिलाफ संतोष मेघवाल चुनाव लड़े हो, जबकि बिदासर की प्रधानी ई गांव की बहू संतोष मेघवाल के गांव को मैंने आए हूँ। और अड आप देखो बूढ़ा बुजुर्ग बहुत सारा युवा बहुत जना खड़े हैं और आप बातचीत कर सियाँ कई चुनाव के मायने थाने कहीं लगे। सो पहले बूढ़ा माइत है वह बातचीत करूँ। राम राम सा। राम राम सा। माइता का नाम आपको? मारू नाम तो हनुमाना राम है। अच्छा हनुमाना राम जी, चुनाव हो रहे हैं क्योंकि बेगा हो गया, पाँच साल बाद में करे लेकिन भोनलाल जी की मृत्यु के कारण ये चुनाव बेगा आ गया, तो इस चुनाव को मन कहीं लगे था ना? भोनलाल जी की मृत्यु लोगों के मन माँ के प्रति सहानुभूति है या लोग आपके हिसाब वोट दे? आपके हिसाब दी हिसाब दे मतलब कोई जी की सहानुभूति हुआ अभी टाइप की थान को लगे? अब भी को कैठा पड़ा। अच्छा एक बात बताओ, संतोष मेघवाल था की नेता ही गांव की बड़ी नेता, आज भी है, प्रधान है बार भी है। और वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल, कांग्रेस ने छोड़ रहे, बहुत सारे निर्णय गलत लगे हो सही लगे? बहुत सही हो। सही हो अरे क्यों सही लगे था कि साहब, क्यों थे पुराना नेता हो ये बोल पूछो आपने? अब माँ पुराना अनपढ़ बतो के ज्ञान रहे, मैं तो मारे हिसाब हुआ सही बताऊँ कि सही हो। सही हो। अच्छा एक अब की बार नयो जो को आदमी आयो है RLP, हालांकि ने तो बड़ो है हनुमान बेनीवाल, वो भी आपको प्रत्याशी खड़े करे, तो थाने कहीं लगे तीन हो गया, तीन अंग में टक्कर लाग रही है थाने का? अब बिन में तो जो अजमाश को नहीं अजमाश, यहाँ बिन देख यहाँ किस हो गया जना, अब यहाँ के ठापड़े? अच्छा नया नया और भी आवाई है, कहीं ठापड़े नए को? अब मैं बढ़त्या जगह तो मान ठाई है। अच्छा कैसा गए? अच्छा बढ़त्या जगह क्या लगा था? हाँ बढ़त लिया बे क्या लगा था बढ़त्या जगह बे बांगे दर्द हो जना दार क्यों आंसा मेरे थे कहो जूं कर। अच्छा अपना मतलब सरिया उस चल बूझ की ये होता है मतलब सरिया और चाल बूझ की लोग लोगों ही आरोप लगावे नेताओं पर के जब मतलब हुए बेटे हम तो हाथ जोड़ जोड़ हुए मतलब गदन ही बाप बना लिया आपने राजस्थान की वाइन कहावत है। राम राम साहब आपको क्या नाम है? मारो तन्ना राम जी। हाँ तन्ना राम जी, थन क्या लाग रहे हो आपके चुनाव को मायने, कहीं कहीं स्थिति लाग रही है क्योंकि आपके संतोष मेघवाल है जिकी खड़ी भी कोनी हुई, लाडली बार भोनलाल जी खिलाफ लड़ी और अब क्या भाजपा को मायने आगी, तो भाजपा में शामिल लड़ूंगा निर्णय थान क्या लागे पाऊंगा? मान यहाँ लाग रही है जनता बार गोल हो रही है। गोल हो रही है? गोल हो रही है। क्या मैं समझो कहीं गोल क्या गोल यहाँ हो रही है? तिन्ना का नहीं बोल रहा है। अच्छा तीन उम्मीदवार है नी, तीनों का नहीं बोल रहा, कोई कह उन्न ध्यान कोई कह उन्न ध्यान, तोल तोल बन जो कोनी। अच्छा थे भी हो रही होगी? मैं तो एक लाख ही हुई पर मतलब जनता सही हुई है तो मैं सागे ही गिनी जा रहा। अच्छा जनता सागे? जनता मैं के गांव नारा थोड़ा ही जनता के सागे ही मैं। अच्छा लारली बार थे की ना आप बता दो संतोष मेघवाल का ना के ना? मैं तो बीजेपी में ठेठ हूं ठेठ हूं यार ठेठ हूं। अच्छा तो अब क्या तो संतोष मेघवाल बीजेपी में आ गई तो थन क्या लागे हो? बीजेपी में आ गई तो बीजेपी में यहाँ जहाँ कटे दो थक गई यहाँ, मैं तो ठेठ हूँ बीजेपी का यहाँ। अच्छा हनुमान बेनीवाल बार हनुमान बेनीवाल खातर ही है बार जनता इंसा रही है कर नयो आदमी है। हाँ। अब इन देखा ताके मन भी हुई अगली मन में पशेक कवे तो हमारे क्यों को नहीं हुआ देखो ए गावड़ा को मजे सा देखो पहली कह दियो के भाजपा का ना और भाजपा का अरे अब कह के निशान हम ही हनुमान का ही आ ए बात बदलो क्या दे यहां जनता के सागे ही रहनो पड़े हो जनता सागे रहनो बड़ा आनंद है गांव के मायने आवा जिसो रे सुन राम राम सा राम सा बताओ भाई। अच्छा मैं देखो बूढ़ी आ रहे से कोई मास्क को लगा रहा क्यों थे लगा रहा क्यों थंडर लगे डर को लगे तो मारो बोली जगह ये लारे बेटे भी नेता सा लग रहा कहना साहब को राम राम डलाराम है जी नाम। हां डलाराम जी कहीं कहीं लग रहे थाने मान त्रिकोणियो लग रहे हो साहब त्रिकोणियो लग त्रिकोणियो बराबर। अच्छा एकदम आ बात है जो को युवा वर्ग है वो तो लगभग हनुमान जी के सागे ही है। अच्छा एक बात भी मैं एक जोरदार बात पूछूं था ना कई जना कह के अगर संतोष मेघवाल RLP में शामिल हो जाती कांग्रेस की जगह तो बढ़िया रहे तो भाजपा की जगह RLP मानो चीज तो कहीं को थे? नहीं 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 संतोष को जो चुनाव जो निर्णय लियो ने आपको चयन करियो वो बहुत बेस्ट को बहुत बढ़िया हो अच्छा चयन हो। और RLP तो यह है वो एक जो सेंटर के मायने कृषि कानून है तीन एक हनुमान जी खिलाफ तकरीर एक्चुअल के मायने किसान के विरोधी है कानून समझ गया ना बात ने तो ओ किसान सागे और
कानून का विरोध के मारे बी के सागे किसान लोग है नी बी बहुत हड़मांझी के सागे जुड़ेड़ा है आ बात है साहब खुली खुली बात है बे जका कानून है नी बे नेनाड़ लोग बीजेपी का है पर तू जता भी बीजेपी का वोट कम उसी नी बे सिर्फ तीन कानून के प्रति कम उसी। अच्छा अब बार बीजेपी में संतोष के कारण है शुरू बीजेपी में थे संग थे क्या के इसको संतोष के कारण ही संतोष ये देखो संतोष मेघवाल जो की है बाबा जपा मुगी तो के संतोष के कारण। अच्छा अच्छा राम राम साहब कहीं कड़ो तो उसमें लगा रहे के हीरो सा लाग रहे हो हमारी टक्कर का तो थे ही आप दोनों तो उसमें लगा रहे के क्या नाम आपको चंद्र नाम है। हाँ चंद्र राम जी बताओ कहीं थाने कहीं लगे मैं वो संतोष वाला सवाल कौन था संतोष में एक बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई वो थाने ठीक लगी हो या गलत लगी ठीक हो ठीक लगी हो। अच्छा अब बार थे के क्या थे हनुमान का नहीं हो संतोष का नहीं हो या मनोज का नहीं हो और थे हनुमान जी देखे को नहीं बीजेपी में यहाँ अब आके देख के अंदर कोई देख क्या कई बार बाण जी कह रहे हो भैया देखा मतलब तू नाम ही देखो देखो मन यहाँ लाग रहे के ये लोग जो है निर्णय अलग टाइप को लाग रहे ऐसे कड़ा मन यहाँ लाग रहे हनुमान बेनीवाल बहुमत दे गया। अच्छा 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 बहुमत के हिसाब हो गया हम कहना बद्रीनाथ। हाँ आप क्या कैसे कान क्या लाग रहे मैं तो हनुमान का आदमी हूँ हनुमान का आदमी हूँ। अच्छा पहले की का पहले कांग्रेस का पहले कांग्रेस का कांग्रेस और बीजेपी दोनों की काम कौन करे हो की कौन करे आज तक हमारे गाँव में हॉस्पिटल कौन जा पाएगा तो आ गलती तो संतोष मेघवाल की प्रधान दी है तो रहेगी आज भी को नहीं आई कह रही हूँ लाड़ ले पांच साल पीरियड काम करियो दुमकर गांव में हॉस्पिटल को नहीं और पूरा गांव बोल रहे हो नहीं एक बजे में वोट दे रहेगा इन देना खाली कोई मुद्दों को नहीं नेता गलार हो रहा खाली बस नाम पर और आज चार बार जाना पड़े जब पोखरा में गोपाल पर जाना पड़े 2000 रुपया गाड़ी किराया ले और गाँव में हॉस्पिटल को नहीं बेना तो हॉस्पिटल है हिमाचल हॉस्पिटल है दुमकर में सेंटर को गाँव है तो तहसील पंचायत फिर भी हेडक्वार्टर को नहीं एक ओस हो खाली थे तो जगह में तहसील कार्यालय में एक ओस बिदासर एक ओस हो 3 किलोमीटर होते तो हर गांव में बेना तो 3 किलोमीटर है। हाँ। बेना तो मैं रुपेली एक छोटो सा गांव है कमर बने जापो हुआ है मान गोपाल पर जाना पड़ा है क्या बात संतोष में कौन क्यों नहीं उज्जैन तो प्रधान है बार भी बा बना को नहीं भैया पहली बार यार दुमकर गांव में मांग कर समस्या है और पानी की तो ऐसी है ही है लेकिन अब मोटी समस्या रहा जापो हुआ है तो गाड़ी लो किरेगी 2000 रुपए मोहनलाल जी में नहीं कह नहीं पानी गाँव गाँव में गंगा को पानी पानी पूछ लेता हूँ कोई पानी है ते पूछ लियो टैंकर ना का मार खुद के टैंकर है 500 रुपए ला करेगा। अच्छा 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 थोड़ा लड़ सर क्या मैं माइक बैठे ला रहा हूं बात कर आगे थोड़ा आगे सर को सर जोर का बोल रहे ना ना सुनो थानिया में तो बीजेपी आधे गांव के मान है और रामेश्वर डोली जीतियो जदू जो आए खेमे मात सही है आखिरी बार बोलो खुला अरे अब वोट बेनी वाले देश चाहे हारे चाहे जीते लेकिन हॉस्पिटल कौन बना सके मोटी समस्या मेन आ है पूरे गांव के लेकिन कोई बात कौन करे आदमी कोई नेता मटा खेमाराम है वो बात कौन करी राहुल कुशवाहा को बात कौन करी एक और नेता है देखो सर की बात सुनिए लगे है के लोग खाली कांग्रेस भाजपा में नाराज को नहीं संतोष मेघवाल नाराज है और बात दुनिया का नुगी पहली कांग्रेस में ही और पद भारतीय जनता पार्टी में आ गई राज में रहो पहले कांग्रेस में बीजेपी में आ गई अब का उस कारण भी जा सके भरोसा का नहीं भरोसा आपको क्या नाम है मेरा नाम रेखा राम है। रेखा राम जी हिंदी बोल सकते मैं कोई नेता नहीं हूँ मैं एक किसान का बेटा हूँ और हर चुनाव में किसान और मजदूर और जवान की ठगी होती है और इनको ठग के ये पार्टियां वोट ले जाकर चली जाती है। जब चुनाव आता है जब तो केंद्र के नेता ये घूम रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी के दोनों नेता घूम रहे हैं लेकिन किसान आंदोलन में किसी नेता ने आकर किसान की बात नहीं सुनी। हम ये हनुमान बेनीवाल है जो अपनी NDA पार्टी छोड़ के ये किसानों को कहने से ये किसानों के बीच में आया। इसलिए मैं तो मन का मौजी आदमी हूँ मैं राजनीति में किसी से विरोध नहीं रखता सबकी बात सुनता हूँ और अंदरूनी विरोध भी नहीं रखता जनता के बीच रहता हूँ हमेशा। इसलिए वोट तो अपने मन से लगेगा और मन से ही देगा। आप क्या करते हो
मैं खेती करता हूँ। किसान हो? किसान हूँ। नहीं तो कह रहे ना, कांग्रेस भी तो किसानों की बात कर रही है आंदोलन में, कांग्रेस साथ कौन करता है? आज इतने नेता पूरे राजस्थान की सरकार यहाँ घूम रही है गली गली में, वो किसानों के आंदोलन में तो गिने चुने गए थे। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में 40 साल से कांग्रेस को वोट देता आ रहा हूँ और अब की बार ही सोच समझ के वोट दूंगा। मेरा कोई मेरा मन कहेगा वैसा करूंगा, लेकिन नेता कभी किसी को कुछ नहीं करता। चुरू जिले में सबसे कम पैकेज किसानों को मिला था और चुरू जिले से भी विद्यासर तहसील में उससे बहुत कम पैकेज मिला। यहाँ के कर्मचारी है वो कोई काम करने वाले नहीं है, जो राजनीति करते हैं इधर उधर की करते हैं, एक दूसरे को लड़ाने का काम करता है, जनता के विकास की बात कोई नहीं कर सकता। आपके प्रधान भी नहीं करते आपके गांव के? हमारी प्रधान तो पिछले तो पार्टी के अंदर थी, उस टाइम इनके जमीन ही आपसरी में, और अब विपक्ष की है वो तो बिल्कुल ठीक है। उल्टी गंगा बहती है, जब भाजपा की होती है तो कांग्रेस में होती है, कांग्रेस की होती है तो भाजपा में जाती है। सिनान तो हुआ कोनी, आ बात है सिनान तो सावड़ भी हुए। हाँ ये दुर्भाग्य गांव का, जो भाजपा की सरकार थी तो कांग्रेस में थी संतोष मेघवाल, और जब कांग्रेस की सरकार आई तो वो भाजपा में आ गई, और ये कह रही कि उल्टी गंगा बह रही है और उल्टी गंगा में स्नान नहीं होता। कमाल है गांव के लोग है। एक भाई जी तिलक लगा के बैठे, राम राम साहब कहना, राम राम साहब गोना, राम नाम गणा जी, तिको तिलक क्या को काटे आज को ब्याह शादी है क्या? तिलक तो हनुमान जी आई जना काट रहा, हनुमान जी को तिलक हो यार, मंगलवार हो रहा आज, मंगलवार एक कान तो मंगलवार एक हनुमान जी को आगमन की बात है। अरे क्या हनुमान जी को तिलक, हनुमान जी पे मिंद्र में बैठा जगह या नेता जगह? नेता जगह, दोनों को हनुमान जी वहाँ को ये रहा कोई। अच्छा कहीं कहीं चीज जोर की लगा हनुमान जी बेनीवाल की थाई, हनुमान जी बेनीवाल की हर बात सही लगे है, क्या वजह काम करे, किसानों की हित की काम करे, किसानों की हित की काम बात करे। बट दिल्ली के माँ बैठा तो किसानों के बारे में बैठा, बी दिनों में किसान हाँ, किसान का आदमी आज का आई चावा 36 कौम ने लेर चल रहे सारो काम करे, बी वास्ते हनुमान बेनीवाल एक मन बैठे दुकानदार है, बहुत ध्यान पाता सुन ले थोड़ी सी बात कर सी वहाँ जोर का आदमी में लाग रहे हैं मन पर थोड़ी सी एक बात क्यों कहते हूँ बताऊँ मैं ही बोला हूँ बात करूँ कहीं दुकान में बैठा जहाँ तरह तरह लोग हमारी चूंथरी पर बैठे रहे अरे भैया तरह तरह की बात कर रहे बेचली है सुने तो हम पूछा राम राम साहब कहना आपको मंगीलाल नाम मंगीलाल जी अरे जगह लोग बैठे हैं कई देर बात कर रहे हैं की बात सुन तन कहीं लाग रहे आंख समझ में थंका आवे जती मारा आवे आंख माइन कोई क्लियर तो थाने कहो को नहीं करनी क्लियर कोई को नहीं बोल रही हो शक है एक शंका है सबके शंका है तीनों पार्टियां का ही है कांग्रेस का भी है वोटर बीजेपी का भी है और ज्यादा बेनीवाल का ज्यादा अरे मैं तो कांग्रेस बीजेपी वाला है बेनीवाल का नहीं बोल दिया पहले तो कहे भाजपा का ना पद कहते बात है जनता तो बदल जावे पर आंख माइन है मिक्स ज्यादा साहित दोस्तों को नहीं क्योंकि नेता ही बदले जनता क्यों कहना था गांव की नेता ही तो बदल दिए बार बार नहीं बारह का ही थे देखो राष्ट्र नेता ही आज भाजपा इसकी शाह कांग्रेस की भरी है केंद्र के मायने शायद 80 उला था जानकारी ज्यादा है एमपी शायद जगह कांग्रेस में आज भाजपा में आज चलो थोड़ो कृषि कानूनों का विरोध जरूर है गाँव में आप दुकानदारी करो क्यों पहले कहीं करता खेती रो ही करूँ दुकानदारी करें कांटो भी है यार कांटो भी लगे रहे बढ़िया बात कही है कि जब नेता ही वो पार्टी एक में को रहे जहाँ जनता को कहीं दोष है भाई गांव को उदाहरण ले लियो संतोष मेघवाल कांग्रेस का माय नहीं पर भारतीय जनता पार्टी में आ गई अब क्या रोड़ो हो रही हो गए आरएलपी मजाज के तो रोड़ो हो गए गांव में आरएलपी में जा रहे संतोष मेघवाल कौन हो गए कौन हो झूठो सो आरएलपी रखे रहे संतोष मेघवाल टिकट मांगी पर देखो सर देखो जो बदले पार्टी पी के बारे में कोई की बोल दिया बाकी जो जोर को जो चुनाव को मेड़ है वो जोरदार है वो सुनना क्योंकि कह के मैसेज परख लिया अब हनुमान जी बेनीवाल ने देखना देखते हैं हनुमान जी बेनीवाल ने देख कर अरे कहीं सोचा कहीं करें।